वेलकम टू फाइजा किचन। सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं। अक्सर घरों में सर्दियों में अंडे चने का सालन बहुत ज्यादा बनता है। वैसे तो ये गर्मियों में भी बहुत शौक से खाई जाने वाली डिश है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पराठों के साथ, नान के साथ, चपातियों के साथ, अक्सर घरों में तो सुबह के नाश्ते में अंडे चनों का सालन खाया जाता है। और सारे वही मसाले हैं जो घर में हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, जिनसे ये आराम से बन जाता है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी YouTube फैमिली की फरमाइश पे मैं ये अंडे चनों का सालन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में मुझे कहते हैं ये वाली रेसिपी शेयर करें, ये वाली करें, तो फिर मैं वही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, सबसे पहले हम इसमें बॉयल्ड एग्स को फ्राई कर लेंगे। बस हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज्यादा नहीं। तेल में हम सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा, चंद काली मिर्च, 5 लौंग के पीसेस, 1 बड़ा दालचीनी का पीस, 1 तेजपात। इन खड़े मसालों को हल्का सा कड़कड़ाएंगे ताकि इनकी खुशबू तेल में शामिल हो जाए। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे मसालों में 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक हसबे जायका अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जीरा पाउडर 2 टीस्पून हीप्ड भर के बिल्कुल, और काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और ये है ड्राई जिंजर पाउडर, ये भी शामिल कर दें। मसालों की भुनाई करें, बहुत जबरदस्त खुशबू आएगी जैसे ही आप मसालों को तेल में भुनेंगे। 2 दरमियानी प्याज को पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, और ये अब हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज को दरमियानी आंच में मीडियम फ्लेम में इस तरीके से इसके साथ मिक्स करें ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। आपने इस तरीके से स्पून हिलाते रहना है। मेरे सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल मसाले नहीं जलेंगे, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से। 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, अच्छी तरीके से मिक्स करिए और इसकी भुनाई कीजिए मीडियम फ्लेम दरमियानी आंच में। इस तरीके से आप इसको चमचा चलाते रहिए मुस्तकिल। लिड लगा के 2 मिनट तक इसे पकने छोड़ दें। 1.5 से 2 मिनट गुजरने के बाद अब हम लिड ओपन करके चेक करते हैं। ये देखिए तेल अलग होने लग गया है किनारों से। अब इस पॉइंट में मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर ब्लेंडर में पानी के साथ डाल के ब्लेंड कर लिया है, वो ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 कप उबले हुए चने, काबुली चने भी कहते हैं, और 1 कप उबले हुए चनों का मैंने इस तरीके से ब्लेंडर में पानी डाल के पेस्ट बना दिया। तो फिलहाल हम ये वाले चने ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लें। अब मैं शामिल करूंगी इसमें 2 टेबलस्पून भर के दही, जिसे फेंट के रखा है मैंने, ये इसमें शामिल कर लीजिए। अब इन सब चीजों को एक साथ मिक्स कर दें। बस अब हम फिर से लिड लगा के इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने छोड़ेंगे ताकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा, उसमें ये तैयार हो जाएं। 1.5 मिनट गुजरने के बाद अब हम इसे चेक करते हैं। तेल अलग होना शुरू हो गया है। अब ये वो 1 कप बॉइल्ड चने हैं जिनको मैंने पानी में ब्लेंड कर लिया है पानी डालकर। ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे थिक ग्रेवी करने के लिए। सालन को गाढ़ा करने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग छोटा आलू बॉइल करके मैश करके इसमें ऐड करते हैं, मगर मैं इसमें चनों की ही ग्रेवी ही ऐड करती हूँ। ना मैं दाल बॉयल करके डालती हूँ, ना मैं इसमें आलू डालती हूँ। साथ ही साथ ये बॉयल्ड फ्राइड एग्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अंडों को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लीजिए। अब इस पॉइंट पर आपको जितना इसकी ग्रेवी शोरबा रखना है उतना पानी आप ऐड कर लीजिए। तकरीबन मैंने 1/2 कप ऐड किया। अब सब चीजों को एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिल जाने दीजिए। अब आंच को हल्का कर दीजिए, फ्लेम को लो पे करके हल्की आंच में 2 मिनट के लिए, दम की आंच में। चलिए तो चेक करते हैं। वाओ, क्या खुशबू आ रही है इस वक्त अंडे चनों के साथ। तो इसको मिक्स करके देखें। ये देखें तेल छुटना शुरू हो गया है। बस अब हम इस टाइम पर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर वो उसमें शामिल कर दें और उसको फिर से
एक मिनट के लिए दम पे रख दीजिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। दम की आंच देने के बाद चेक करते हैं इसकी फाइनल लुक। यकीन जानिए जबरदस्त खुशबू आ रही है, जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे के बनते हैं।